इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कितना कर लिया होमवर्क? पूरा गया पूरा? मतलब जितना बोला गुड इवनिंग था सारा कर सर, गुड डाउट है। इवनिंग। डाउट है ना? पहले किसके बोला करने हैं? वो पहले तो शीट खत्म करते हैं। ठीक है। और शीट के लिए मेरे को शीट खोलनी पड़ेगी। अरे भाई वाह खुली सर, क्या हुआ? शीट के लिए शीट खोलनी पड़ेगी। मिश्रा मिश्रा, ये पियूष जैसी बात हो गई है। कंप्यूटर रन तो नहीं? मिश्रा हमारा आइटम ही है। एक तरीके से देखा जाए तो आइटम से कम तो है नहीं, और आइटम ही है हमारा। मिश्रा ऐसा दिमाग कहाँ से पाया बेटा तेने? गॉड गिफ्टेड है या तू प्रैक्टिस करता है डेली? क्या मिश्रा? सर मिश्रा आपसे सिखाऊं? मेरे तो गॉड गिफ्टेड है ही नहीं। अच्छी सी कुछ भी बात हो तो हाथ से ही सीखा हूँ, है ना? ठीक है, तो मैंने नहीं सिखाया तुम्हें, आपसे ही सीखा। वो वो अमन ने सिखाया। अमन ने सिखाया? अमन ये वो बोलता है अमन इसने सिखाया। सिखाया। यार बहुत 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 कचरा भर गया यार साला। इसमें है क्या? अच्छा तो एक्सरसाइज वन तो है मेरे पास। वन टू हो गई ना बेटा अपनी? हाँ हाँ, वन के वो पीछे के को करने थे। तो टू तो इसमें से शेयर कर देता हूँ, इसमें आ जाएगा। टू बताओ, टू बताओ, टू में बताओ। टू हो अरे टू में गई क्या, सॉरी सर। वन में। हाँ वन में, सॉरी वन में बताओ। एक मिनट। सिक्सटी सिक्स सर, पहला तो 66। 66 में क्या दिया है हमें ये डिस्कस कहां तक हुआ सर? था? उसके पहले 64 है। 64। 64 में दिया हुआ है सर टॉप ऑफ उससे द पहले मास्ट। 58। अरे आप तो शांति रख। हाँ, ट्रक ऑफ द मास दिस मूव्स अपॉन इंक्लाइन प्लेन ऑफ द स्लोप 1 in 100। हाँ ये सर, वन इन इसका हंड्रेड मतलब क्या का होता है? मतलब ये ऐसा है, और 10 है ना? ये अगर थीटा मानोगे तो 10 थीटा की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 100 दिए। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 100। समझ रही बात? हाँ सर, तो अब हो जाएगा ये हो जाएगा सर। सिक्सटी ये आंसर नहीं आएगा, सर। वो रूट में आएगा, वो √1000 हाँ, है सर। इसको 1/100 को साइन थीटा लेंगे तो आ जाएगा आंसर। वही साइन सर, सर ऐसा थीटा। स्लोप को साइन थीटा कैसे ले सकते हैं? और स्लोप तो 10 थीटा अरे होता है। अरे रे 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 रे, इसने क्या बोला? स्पीड 30 द पावर ऑफ द ट्रक। ट्रक की पावर पूछी हुई है तो फोर्स कौन सा लगेगा? mg साइन थीटा लगेगा ना? हाँ तो साइन थीटा में वो रूट तो साइन आएगा थीटा नहीं वन आंसर। अपॉन √10001 ऐसा है। तो ये ऑलमोस्ट, वो ये थीटा बहुत छोटा है देखिए यहाँ पे, ये जीरो पॉइंट ऐसा जीरो थोड़ी ना होता क्या है। क्या थीटा को ये मान लेंगे? ले ये मैंने 1 जीरो ज्यादा लगा दी ना, 0.01 है। ठीक है, आधे निकाल के देख लेना, साइन थीटा निकाल के देख ले तू, क्या दिक्कत है? परपेंडिकुलर वन अपॉन अपॉन हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। रूट ऑफ 1000001। हाँ तो 1 का स्क्वायर 1 ऐड कर दे, 100 के स्क्वायर में 1 ऐड कर देगा तो क्या ज्यादा फर्क पड़ जाएगा?
और तू लेके करना तो भी आंसर ऑलमोस्ट बराबर ही आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। वैसा है हाँ, इसके बाद बोलो। जीरो नहीं मान सकते पहले तो। 58 से दो कम, 60 से दो कम और 50 से आठ ज्यादा। To an observer, A, the work done by the normal reaction N between the block and the wave. इसके पहले वाला करना पड़ेगा। इसका यार तो गलत गलत बातें से, अब मेरे को ओपन वाला भी तो करना पड़ेगा पहले ना। अब लोक ऑफ द मास एम मूविंग विद अ वेलोसिटी वी नॉट ऑन ए स्मॉल हॉरिजॉन्टल सरफेस स्ट्राइक द स्ट्राइक एंड कंप्रेस द स्प्रिंग ऑफ द स्टिफनेस की टिल मास कम्स टू रेस्ट इज शोन इन द फिगर द फिनोमेना इज ऑब्जर्व बाय एन ऑब्जर्वर। ठीक है, फिर बोला भाई टू एन ऑब्जर्वर ए द वर्क ए ऑब्जर्वर कहाँ पे स्टैंडिंग ए और बी स्टैंडिंग ऑन द स्टैंडिंग ऑन द ब्लॉक ए तो ग्राउंड पे है ना, ये तो कहाँ पर है ऑब्जर्वर पर तो एक ही वर्क तो एक ही होगा ना। क्या बोल रहा है ऑब्जर्वर ए या बी होगा वो वर्क तो एक ही होगा। अभी मेरे को क्वेश्चन पढ़ा है, देख लेंगे क्या बोल रहा है। टू एन ऑब्जर्वर ए द वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन एन बिटवीन द ब्लॉक एंड द स्प्रिंग ऑन द ब्लॉक इज ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन के थ्रू वर्क डन पूछा है, तो ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा? स्प्रिंग फोर्स के ऊपर पीछे लेफ्ट इधर ही लगेगा ना नॉर्मल। ये स्प्रिंग का नॉर्मल इधर लगेगा और ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट है इधर, है कि नहीं? तो ये नेगेटिव वर्क डन मिलेगा। नेगेटिव वर्क डन किसके बराबर मिलेगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर मिलेगा, मिलेगा ना। तो ये वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल तो जीरो हो जाएगी इनटू हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, तो आंसर हो जाएगा माइनस ऑफ हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स भी तो काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस कर रही है ना। हाँ तो ये वही है बेटा, स्प्रिंग फोर्स का ही तो नॉर्मल है, बराबर ही आएगा ना। देख अगर कांटेक्ट रखना है यहाँ पे कांटेक्ट को मेंटेन करना है, तो ये नॉर्मल स्प्रिंग फोर्स के थ्रू ही प्रोवाइड किया जा रहा है। ये वैसा ही केस है कि ब्लॉक रखा हुआ है एम का, तो नॉर्मल कितना मानते हैं अपन? एम जी, एम जी के बराबर मानते हैं ना। तो ये वही सीन है कि ये जो एन है वो किसकी वजह से आया? स्प्रिंग की वजह से आया है, तो वो है स्प्रिंग फोर्स का ही वर्क डन। ठीक है सर, इसके बाद बताओ। 61 इसी में है ना, छह क्वेश्चन है तो 61 में क्या मतलब है? टू एन ऑब्जर्वर बी व्हेन द ब्लॉक इज कंप्रेसिंग द स्प्रिंग, बी ऑब्जर्वर कहाँ पर है और बी ऑब्जर्वर है आपका स्टैंडिंग ऑन द ब्लॉक ऊपर ब्लॉक पे है और इसने क्या बोला है? वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इज डिक्रीजिंग, रिटार्डेशन ऑफ द ब्लॉक इज इंक्रीजिंग, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक इज जीरो, ऑल ऑफ द अबव। देखो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर के लिए ब्लॉक की वेलोसिटी तो जीरो होगी। भाई ऑब्जर्वर ब्लॉक के ऊपर ही बैठा हुआ है, तो ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ब्लॉक की वेलोसिटी क्या आएगी? जीरो। इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो आएगी फिर। जीरो। अरे हाँ। आएगी ना? हाँ। हाँ। समझ रही बात ये, तो सी ऑप्शन आ जाएगा फिर इसमें। इसके बाद 66 पावर आउटपुट फ्रॉम द इंजन डबल देन द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार इज एरोडायनेमिक फोर्स। इसने बोला हुआ है कि वो प्रोपोर्शनल है किसके स्पीड के सर? वो क्या है
अरे कुछ नहीं, फोर्स फोर्स ये होता है। फोर्स ये वो प्रोपोर्शनल टू वी बोला है इसने, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटा के के वी के लिख ले। अब हमें इसने क्या बोला हुआ है, इफ द पावर आउटपुट फ्रॉम द इंजन इज डबल, पावर को डबल कर दिया जाए तो पहले पावर तो बनाओ, पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू के इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा ना। अब पावर को डबल कर दो तो पावर को डबल करोगे तो पावर को डबल कर दिया ना, तो के तो सेम ही है, के तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, स्पीड चेंज हो रही होगी इसका मतलब है ना। अब इस पी की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो तो टू इंटू के वी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, के इंटू वी डैश का स्क्वायर, के से के तो चला जाएगा तो वी डैश हो जाएगा रूट टू वी के बराबर, इंक्रीज बाई फैक्टर हो जाएगा ना। इसके बाद 67 68, अ बॉडी ऑफ द मास 1 केजी स्टार्ट मूविंग फ्रॉम दिस एट टी इक्वल टू 0 इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ द रेडियस एट मीटर, इट्स काइनेटिक एनर्जी वेरीज एज अ फंक्शन ऑफ टी इक्वल टू 2t स्क्वायर जूल, दैट इज इन सेकंड द टेंजेंशियल एक्सीलरेशन पावर ऑफ ऑल फोर्सेस, ये सब बातें पूछी हुई है। इसने एक एक्सप्रेशन दे रखा है अपने को काइनेटिक एनर्जी का, तो काइनेटिक एनर्जी दे रखी है इसने 2t स्क्वायर के बराबर। अब देखो वर्क डन बाय नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और टी इक्वल टू जीरो पे तो काइनेटिक एनर्जी क्या रही होगी, के इनिशियल तो जीरो रहा होगा एंड के फाइनल 2t स्क्वायर है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 2t स्क्वायर के बराबर है। और मैं dw / dt कर दूं तो वो मिल जाएगा मेरे को क्या, पावर, तो 2t स्क्वायर कितना हो गया, 4t हो गया, पावर कितनी हो गई 4t, हां डिफरेंशिएट 4t, पावर कितना हो गया 4t हो गया, और t कितना कितने टाइम पे बोला हुआ है जो 3 सेकंड, 2 सेकंड पे 8 वाट, वो बी ऑप्शन। अच्छा ये बी ऑप्शन में पावर ऑफ ऑल द फोर्सेस एट टी इक्वल टू, ये सही आ गया इसका मतलब, सही है ना, पावर ऑफ ऑल द टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की पावर होगी क्या, दोबारा बोलना, ये सेंट्रीपेटल फोर्स की तो कोई पावर नहीं होगी ना, सिर्फ उसकी होगी टेंजेंशियल नेट फोर्स, तो इसमें इसमें सबकी पावर आ गई ना बेटा, पावर ऑफ जितने भी फोर्स लग रहे हैं सबका वर्क डन मिला के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, तो सबकी जो सब जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सबकी पावर क्या है, टोटल पावर 8 वाट है। अब किसी की जीरो है, किसी की कितनी है, उसका सबका सम 8 वाट है, समझ रही बात ये, हाँ सर, हाँ। तो एक तो ये ऑप्शन करेक्ट है, मल्टीपल चॉइस तो है ही नहीं, एक ही ऑप्शन होगा ना इसमें तो, हाँ ये बी वाला तो पक्का होगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी निकाल लो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू फाइनल एनर्जी ना, ये हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू कितना है 2t स्क्वायर है, एम की वैल्यू कितनी रखी है 1 kg, तो इसको तो हटा दो, तो वी स्क्वायर कितना मिल गया 4t स्क्वायर, तो वी की वैल्यू कितनी मिल गई 2t के बराबर, और हमें पता है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at इक्वल टू dv / dt होता है, तो ये 2 है, इसने कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो गलत हो गया, वो नहीं होगा, तो बाकी वो डेटा भी चेक कर सकते हो तुम लोग। इसके बाद बताएं 68 कौन सा, 68 ना डायग्राम रिप्रेजेंट, ये डायग्राम तुम्हें याद रखना, ये तो बनवाया था ना डायग्राम यार, ये डायग्राम नहीं बनवाया क्या मैंने, पोटेंशियल एनर्जी का डिस्टेंस के साथ डायग्राम नहीं बनवाया क्या नोट्स में, अगर नहीं बनवाया तो यहाँ बना लो, ये तो याद रखना होता है ये डायग्राम, तो ये केमिस्ट्री में भी आएगा कहीं ना कहीं दोबारा, इस टाइप का डायग्राम होता है ये वो वैल्यू है
इसको बोलते हैं आर इक्वल टू आर नॉट, है ना। इस आर नॉट से अगर डिस्टेंस, जैसे दो मॉलिक्यूल हैं, उस मॉलिक्यूल के बीच में अगर सेपरेशन आर नॉट से ज्यादा होता है, ठीक है, आर नॉट से क्या हो जाए, ज्यादा सेपरेशन हो जाए उनके बीच में, तो फिर अगर अपन इधर जाते हैं ऐसे सेपरेशन को बढ़ाते हैं तो फिर उनके बीच में अट्रैक्शन लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है, और सेपरेशन अगर कम होता है तो फिर रिपल्शन लगता है, ठीक है। और शायद ये 0.8 एंगस्ट्रॉम होता है, चेक करना है ये 0.8 एंगस्ट्रॉम होता है कि नहीं होता है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, 0.8 एंगस्ट्रॉम होता है शायद ये। ये आर नॉट का कोई नाम होता है? नहीं, शायद नाम तो है नहीं कुछ। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए पोजीशन होती है, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम है, इस पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम पे तो वो कंडीशन होती है ना, एक आपने वो लिखवाया तो वो है ना, ये देख यहाँ पे किसी पार्टिकल को रखेगा लेफ्ट राइट डिस्प्लेस करेगा तो वापस अपनी पोजीशन पे आएगा, कॉनकेविटी पॉजिटिव होती है, डबल डिफरेंशियल पोटेंशियल एनर्जी, हाँ तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है ना, देख इस ग्राफ में सबसे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी यहीं पे है। इसके बाद बताएं, इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 69 वो आर नॉट बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर है। क्या नंबर है? बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर नहीं, वो नहीं होना चाहिए, नहीं नहीं, इसको बेसिक आर नॉट वो है। देखो मैं देख लेता एक बार इसको, ये इंटर मॉलिक्यूलर न्यूक्लियर, हाँ इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है आर यहाँ पे, और इसका नाम मॉलिक्यूलर सेपरेशन या इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस होती है वो, मेरे को इतना तो पता है 0.8 एंगस्ट्रॉम के बराबर कुछ ऐसा आता है ये। तुम चेक करना कितना आता है एक बार, कहीं ना कहीं मिल जाएगा, अभी मिल तो नहीं रहा मेरे को, नहीं तो मैं देख के बता दूंगा, मेरे को मिल जाएगा तो ना। इसको चेक करना एक बार, है ना, कितना होता है ये वैल्यू होती है, ध्यान नहीं आ रही पर मेरे को इसकी। इसके बाद बताए 69 किसका डाउट है 69? अरे बोलो, मेरा मेरा कौन, बिंडेरी? नहीं नहीं सर। तो बशियार का, देखो इसमें पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है एक्स और वाई दोनों के टर्म्स में, है ना, द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट 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 ऑफ मास एम 0.5/4 पे आपको फोर्स पूछा हुआ है, तो F वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ ग्रेडियंट इनटू U। इसको दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें X और Y दोनों है ना। अरे एक बार में नहीं हो जाएगा? अरे X और Y दो एक साथ है ना, खोल दो एक्सप्रेस को भी cos X plus Y IK cos X plus Y JK आएगा, समझ रही बात ये? दोनों दो बार आएंगे ना ये, एक बार में नहीं होगा बेटा, वही ये
ट्राई किया था, 500 नहीं आया। पुट करो ना, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू पाई बाई 4, तो cos पाई बाई 4 i के और cos पाई बाई 4 j के। अब ये होता कितना है हमारे पास, cos पाई बाई 4 कितना हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा ना, और 1/√2 i के 1/√2 j के, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √2 × 1/√2, तो 1 आ जाएगा, तो 1 आंसर आएगा इसका। इसके बाद बताएं, 70 में 1 से ज्यादा आंसर आ रहा है, 70 में 1 से ज्यादा आंसर आ रहा है, हां सर 70 में 1 से ज्यादा आंसर आ रहा है, तो इसमें तो पोजीशन स्टेबल अनस्टेबल, इसको पहले वो निकालना पड़ेगा ना, ये तो फोर्स दिया हुआ है, हाँ फोर्स दिया हुआ है ना, तो फोर्स को डायरेक्टली जीरो करवाएं तो उससे पता लगेगा ना अपने को। पहले अपन पहले क्या करते थे, अपने को यू दिया होता था, यू को डिफरेंशिएट करके डी यू बाई डी एक्स निकालते थे, माइनस डी यू बाई डी एक्स, उसको जीरो करवाते थे, तो बनता तो फोर्स ही था। इसको इंटीग्रेट क्यों करना बेटा, ये डायरेक्टली फोर्स की इक्वेशन दे रखी, इसी को जीरो करवाओ ना, तो 2x² - 3x - 2 = 0 करो, यहाँ से x की वैल्यू निकालो कितनी आ रही है, 4 और -1, x = 4 और x = -1 है ना, -1/2, सॉरी अच्छा मैंने भी डायरेक्ट ही कर दिया ना, इसके -1/2 2x² - 4x + x - 2 = 0 ना, तो x इक्वल टू, एक तो क्या आ रहा है 2 और -1/-1/2, और x इक्वल टू क्या आ रहा है, एक -1/-1/2, ठीक है, तो अब दोनों पॉइंट पे आपको चेक करने पड़े, अभी तो ये तो पॉइंट मिले, अब इसको क्या करना पड़ता था, f को डिफरेंशिएट, इसको डबल डिफरेंशिएट करना पड़ता था ना, डी यू बाई डी एक्स, हाँ डबल डिफरेंशिएशन, एक से बड़ा हुआ तो स्टेबल, बाकी अनस्टेबल नहीं, एक सेकंड अपन ने कुछ उल्टा तो नहीं करती है, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी का जो फंक्शन दिया होता था, इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे, हाँ सही है, डी यू डी एफ बाई डी एक्स निकालना है ना, 4x - 3, तो कितना हो जाएगा वो, 4x - 3, अच्छा बड़ा वो इसमें माइनस हाफ डालेंगे ना, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए सर, हाँ वो स्टेबल आ जाएगा, ये तो ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ट्रिपल डिफरेंशिएट हो गया, ट्रिपल नहीं हुआ, डबल ही हुआ है बेटा, मैंने क्या किया, अरे ये पॉजिटिव आ रहा है ना, हाँ सर मेरा मिस्टेक ली, मैंने उस इक्वेशन को डिफरेंशियल गिन लिया, ये रुको 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 रुको, मेरे लाल पीले नीले हरे गुलाबी सर, रुको रुको रुको, कुछ पॉपअप हो गया है, क्वेश्चन अच्छा है, ग्रेटर देन 0 तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मान लो यू कोई फंक्शन होता है, स्टेबल अनस्टेबल निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले डी यू बाई डी एक्स निकालते हैं ना, उसको जीरो करवाते हैं, फिर डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं, उसे चेक करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, डी यू बाई डी एक्स तो दिया है हमें, हमें माइनस डी यू बाई डी एक्स दिया हुआ है बेटा, जो माइनस मल्टीप्लाई करता है ना, हाँ वही तो माइनस डी यू बाई डी एक्स होता ही है, ये क्या होता है, माइनस डी यू बाई डी एक्स होता ही है, समझ आई बात, मतलब ये जो वैल्यू मिली है वो माइनस ऑफ डी यू बाई डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिली है, इसके आगे माइनस को चलने दो ना साथ में, तो डी टू यू अपॉन डी एक्स टू की वैल्यू क्या है, -3 - 4x, अब चेक करो एक्स इक्वल टू टू पे, क्या हुआ अभी, क्या लिखा, क्या हुआ बोल,
सर टू पे तो नेगेटिव आएगी, हम माइनस हाफ लेते हैं तो टू पे नेगेटिव आएगी ना, ये वैल्यू इसकी बेटा, ये एफ की वैल्यू है, हमें एफ मतलब क्या होता है, माइनस डी यू बाई डी एक्स होता है ना, इस माइनस को बाहर रखो, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो तो डी टू यू बाई डी एक्स टू मिलेगा, हमें चाहिए क्या होता है प्लस डी टू यू बाई डी एक्स टू चाहिए होता है, तो इसकी वैल्यू क्या मिली है, फोर एक्स माइनस थ्री मिली है, तो उसको क्या लिखना पड़ेगा, थ्री माइनस फोर एक्स लिखना पड़ेगा। अब थ्री माइनस फोर एक्स को चेक करो, एक्स इक्वल टू टू पे और एक्स इक्वल टू माइनस टू पे, एक्स इक्वल टू टू पे क्या मिलेगा, माइनस हाफ पे स्टेबल हो रहा है, टू पे तो माइनस फाइव नेगेटिव मिलेगा, इक्वल टू पे माइनस प्लस हाफ पे क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, तो जहां पे नेगेटिव मिलेगा, जहां पे नेगेटिव मिलेगा वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, और जहां पे पॉजिटिव मिलेगा वो हो जाएगा स्टेबल, तो ए वाला सही हो जाएगा। अब चेक करो कौन सा सही है, माइनस वन बाई टू स्टेबल है, सिर्फ एक ही सही हो जाएगा ना, इसके बाद बताएं सारे कौन सा सर, इसके बाद एक भी नहीं बताते सर, एक आज कौन एब्सेंट है, नौ जन है सर, कोई एक आज अमन, अमन एब्सेंट है ना, अभी तो क्लास में आया था सर, वो आया था, हाँ आया तो था, केमिस्ट्री भी आया था सर, फिर लेफ्ट हो गया। चलो इसमें बताएं, आगे बताएं बेटा, मुझे सारा का डाउट है वो 70 के बाद, हाँ सब में डाउट है सर, 73 में क्या दिया हुआ है, द बॉब अटैच टू अ स्ट्रिंग इज हेल्ड हॉरिजॉन्टल एंड द रिलीज द टेंशन एंड द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ द सस्पेंशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, टी और एच का रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे। अब टी और एच का रिलेशन कैसे फाइंड आउट करना है, कि जैसे ये आपका ये पेंडुलम है, ये ऐसे नीचे आ रहा है ना, टेंशन तो कहीं पे भी इन जनरल निकालना पड़ेगा पहले मेरे को, मैं मान लो यहाँ पे है, ये एंगल थीटा है, ये टेंशन फोर्स है, ये एम जी है, ये टी का कंपोनेंट करना होता है, एम जी का करना होता है, एम जी का कंपोनेंट करना होता है, तो ये एम जी थीटा है, यहाँ पे तो यहाँ पे t इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई एम वी स्क्वायर बाय, है ना, समझ रही बात, ये पैराबोलिक होगा ना मतलब, हाँ रुक जा, t इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी कॉस थीटा मिल गया है, समझ रही बात ये, और द टेंशन एंगल, इसने ग्राफ h के टर्म्स में पूछा है ना, पर h तो लाना पड़ेगा, h जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे थीटा घटता जाएगा, h किससे मिलेगा अपने को, ये h मेरे हिसाब से ना देखो एनर्जी कंजर्वेशन से v की वैल्यू निकाल लेते हैं ना अपन यहाँ पे, एच यही तो चीज है ना, एच क्या बोला है इसने, ये यहाँ से यहाँ तक है एच, द टेंशन एंड द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, यही तो है एच, मतलब ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से एच, तो अभी एच निकालो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इनिशियल इनिशियल एनर्जी कितनी है, हाँ सर ऐसा नहीं कर सकते क्या, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे सबसे ज्यादा टेंशन होगी और हाईएस्ट पे सबसे कम, तो फिर डायरेक्ट एक ही ऑप्शन आ रहा है डी, बॉटम पे मतलब टेंशन कम होती चाहिए ना, सबसे कम होगी, पर ये जीरो हो गई है,
टेंशन जीरो हो जाएगी ना सर, बॉटम पे सबसे कम। बॉटम पे टेंशन क्यों जीरो होगी? बॉटम पे नहीं, सस्पेंशन से यहाँ पे एच इक्वल टू जीरो है, यहाँ से इंक्रीज कर रही है। ओके, वहां से एच लेना है। हाँ ठीक है ठीक है, तो इसमें ना वी निकालो बेटा, वी यहां से एच लेना है, तो यहां पे रेफरेंस लाइन यहीं पे मान लो, तो बताओ रेफरेंस लाइन वहीं पे मान ली तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो, इक्वल टू इस वाले पॉइंट पे आ जाओगे जब, तो ये तो रेफरेंस लाइन के नीचे आ गए ना, मतलब माइनस एम जी एच प्लस हाफ एम बी स्क्वायर, एम से एम चला जाएगा, एम जी एच इक्वल टू b स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2gh, ये b स्क्वायर यहाँ पे पुट कर लो, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा mg cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू भी मिल जाएगी ना यहाँ से, cos थीटा कितना मिल जाएगा इस वाले ट्रायंगल में देखो, t लेंथ ऑफ स्ट्रिंग का cos थीटा h अपॉन r है ना, आर हाँ ठीक है, आर आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर, तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, तो टी इक्वल टू हो जाएगा एम जी इंटू आर, आर क्या एच बाई आर प्लस यहाँ पे हो जाएगा टू एम जी एच डिवाइडेड बाई आर, थ्री एम जी, अब देखो एच से तो लीनियर रिलेशन है, 3 mg h by r मिल गया है, तो t proportional to h है, straight line बनेगा, बनेगा ना? ठीक है, हाँ हाँ, हम इंग्लिश में बंद कर दे, इसके आगे बताओ ठीक, मैंने नहीं किया, मैंने तो कुछ नहीं किया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक तो उधर ही नहीं किया था सर। ए अमन, अमन ए अमन जोश में आ गया है, अमन जोश, अमन एंटर करते ही जोश पे आ गया है, उधर ही नहीं किया सर, उसका आया था, मैंने तो कुछ किया ने किया, फिर टिक को इरेज ऊपर ने किया, सर 71 सर, हाँ सर, आपको एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ बोल, वो आप आर नॉट और ये नॉट बोलते रहते हो, नॉट का स्पेलिंग आपको पता है? इसका नॉट का KNOT जरूरी है? नहीं बोलो, एनोट नहीं, मेरे को ये बता ये जरूरी है उसका स्पेलिंग आना? अरे सर पर उसका स्पेलिंग बहुत अजीब है, एन ओ यू जी एस टी, अरे ठीक है ना जो भी है, मेरे को सर लगा तो कोई इसका डाउट पूछ रहा होगा, इजान इजान कोई भी अजीब अजीब डाउट इजान ही पूछ सकता है, कोई बात, क्या होता है स्पेलिंग बता तो दे, कभी काम आए किसी से स्टाइल मारने में, N O U G H T, O U G H T होता, O U N O N O U N O U G H T not, अब तुम कंफर्म करके बताना मेरे को होता क्या है, वरना मैं कहीं स्टाइल मार दूं और गलत हो जाए ना तो बेटा देख लेना तुम, ओ ईजान अब बेटा तू ही कंफर्म करके बताएगा मेरे को, प्रूफ देगा ये कहाँ पे लिखा हुआ है, एन भी होता है आगे, ऑटर नहीं नॉट, एन भी होगा ना ईजान, ईजान सुन रहा है ना,
सर यू थोड़ी आया सर आपको भेजा प्रूफ लेने गया क्या? अच्छा एन ओ एन ओ यू जी एस टी एन ओ यू जी एस टी ठीक है चलेगा चलेगा अपन वैसे भी इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश की क्लास में थोड़ी ना है अपने को क्या मतलब है स्पेलिंग से आगे बताओ बताओ 71 70 अरे आगे बताओ पीछे नहीं 71 हाँ सर 71 72 दोनों आपने आगे सर, बोला उसके 72 दोनों हो जाता है अरे ये तो करवा रखा है यार अरे कौन सा सर पार्टिकल ओरिजिनली एड्रेस्ड हाँ सर ये तो करवा रखा है यार cos थीटा इक्वल टू 2/3 हां 2/3 आता है cos थीटा उससे मिल जाएगा इसकी वैल्यू तो r by 3 आता है ना सर h is equal to r by 3 cos थीटा इक्वल टू 2/3 आता है ना उससे मिल जाएगा जो भी निकालना है और क्या 72 थीटा वर्टिकल के साथ एंगल होता है हां सर याद आ गया और ये अमन का एग्जांपल दिया था ये 72 में अंदर वाली बाहर वाली दो है अमन के पास करवा लेना सर थोड़ा कौन सा सर वो अंदर वाली बाहर वाली वाला करवा दो अंदर वाली बाहर वाली है इसके लिए तो कितना बड़ा बना रहा अरे नहीं सर ये थोड़ा नोट्स पढ़ो इसके लिए तो कितना बड़ा हो पूरा एक पेज हुआ था हां सर पर इसमें थोड़ा अलग है अब देखो समझ नहीं आया इसमें सर एक कंडीशन देख वो बता दो एक बार आप n1 greater than 0 for the motion देख यहाँ पे 10 सर क्या सर मैं अभी लीव कर सकता हूँ हाँ कर दो कोई दिक्कत नहीं ओ क्योंकि मैं डिनर करने अभी बैठा हूँ हाँ हाँ ठीक है ठीक है घर पे नहीं मैं घर पे भी नहीं कहाँ है तू नौसारी बोल हाँ ठीक है ईशान बात बोलो क्या बोल रहा है उसने अरे यार ये जल्दी से डिस्कशन खत्म करते हैं तो फालतू बकवास नहीं करते हैं अभी वही सर करवाओ कितना दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड दे रखा है ना 10 मीटर पर सेकंड 5√gr से सॉरी 4 ये तो वो क्वेश्चन हो गया ना 4gr से ज्यादा है कि कम है कितना है ये इक्वल है r दे रखा है 2.5 सर इक्वल है 4√4gr से इक्वल है तो फिर वो पहुंच जाएगा इक्वल है तो यहां तक पहुंच जाएगा मतलब पूरा मोशन कंप्लीट तो हो रहा है तो कहां से कहां तक में अपर टेंशन कहां से कहां तक में लोअर टेंशन इसमें नॉर्मल फोर्स कहां पे जीरो हो जाएगा वो भी चेक करना पड़ेगा नॉर्मल फोर्स जीरो होने के लिए नहीं होगा ना हां ये तो कहीं पे भी नहीं होगा ना मेरे हिसाब से तो आंसर क्या होगा फिर N1 किससे दिया हुआ है N1 एंड N2 आर द नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द इनर एंड आउटर साइड और N2 आउटर साइड तो N1 तो 0 है और N2 हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा आंसर क्या आ रहे हैं डी हो गया हां ऑप्शन डी हां सर आंसर सी आ रहा है नहीं क्योंकि डी जैसे से आंसर सर क्योंकि डी पॉइंट पे तो वैसे भी उसको नीचे गिरना है बॉल को इनर रिंग से आ जाएगा वो डी पॉइंट पे हाँ डी पॉइंट पे टच होगा सही है एक बार डी पॉइंट पे टच होगा ना जस्ट बराबर है ना स्पीड हाँ सर तो डी पॉइंट पे टच होगा सर अभी रिजॉइन करना है हाँ रिजॉइन करना है बाकी एन टू की वैल्यू हमेशा ज्यादा है जीरो से तो वो जीरो हुआ ही नहीं एन टू तो ना इसके बाद रिजॉइन कर लें एक बार तो कौन सा ऑप्शन होगा एक बार रिजॉइन डीडी में कैसे ज्यादा होगा हाँ सर इसमें जो सी डी ए में तो वो जीरो नहीं हो जाएगा जो क्योंकि तब तो नीचे गिर जाएगा तो ये कौन ये
इसमें रूट 5G आ जाता था, रूट 4G आ जाता था, रूट 5G आ रहा था, रूट 5G आ रहा था, तो उसे ये उसे चेक करो रूट 5 तो कंप्लीट मोशन नहीं होगा, तो कंप्लीट मोशन नहीं होगा तो एक बार जीरो होगा ना, हाँ फिर वो इनर रिंग पे आ जाएगी, तो वो इनर रिंग पे आ जाएगी। तो अब इसका आंसर क्या होना चाहिए, देख यहाँ से बी से सी और यहाँ पे कहीं तक, ऑप्शन से चेक कर लीजिए ना, ये एन वन है ना, एन वन ग्रेटर देन जीरो फॉर द मोशन एबीसी, एबीसी यहां से यहां तक वाले रीजन में, यहां से यहां तक वाले नीचे वाले रीजन में कौन सपोर्ट करेगा, इधर वाले में एन टू बाहर वाली, बाहर वाली सपोर्ट करेगी ना, तो ये गलत एन वन का तो नहीं, ये गलत हो गया। अब बी वाले में एन वन ग्रेटर देन जीरो फॉर द सी डी ए, और थर्ड वाले में एन टू ग्रेटर देन जीरो फॉर द मोशन ए बी सी एंड पार्ट ऑफ सी डी ए, ये सही है, ए बी सी में तो ग्रेटर देन जीरो ही हुआ ना, ए बी सी में तो बार वाले तो सपोर्ट कर रहा है, चलो वो जो मैं ऑप्शन बी में एन वन सही नहीं, मतलब ऑप्शन बी सही नहीं लग रहा, पार्ट ऑफ है वो, इसलिए यार पार्ट तेरे को अंदर वाली बाहर वाली समझ नहीं है यार, पार्ट प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, अमन तन्ना को इसलिए समझ आया कि इसके पास दोनों है, अंदर वाली बाहर वाली, मेरे को तो डाउट था, ये देखो डाउट था कि अंदर वाली कौन सी, नहीं अमन को डाउट ये था कि अंदर वाली कौन सी बाहर वाली कौन सी, बट है तो दोनों इसके पास, सर मैं भोला बच्चा हूँ, मेरे पास ऐसी चीजें नहीं होती, भोला बच्चा हूँ सब पता है मेरे को, तुम कितना भोला है बेटा, भोला बच्चा है, बातें सही में नहीं करता क्या, मैं ऐसी असली बातें सही में नहीं, आखिरी तीन करवा दो, तो आखिर आखिरी दो बातें करने वाले क्या असली बातें नहीं करने वाले भोले बच्चे होते हैं क्या, ऐसा किसने बोला है, कहां पर चले गए, आई एम जा रहा है 74 हां, हां टाइम जा रहा है, शांति रख 74 75 भी तुम्हें करना है, अब दिमाग लगाओ, सारे क्वेश्चन पूछ लेते हो, अबे वही वाला क्वेश्चन है जो अभी किया है, ऊपर बाहर वाला, कहाँ से कॉन्टेक्ट लूज होता है, 10 cos थीटा इक्वल टू 2/3 पे कॉन्टेक्ट लूज हो जाता है, तो पहले ऊपर वाला सपोर्ट करेगा और फिर नीचे वाला सपोर्ट करेगा, अरे रिलीज किया होगा ना उसे वहां से, पर वो cos 2/3 वो हर बार थोड़ी ना होता है, अलग अलग अरे वो जब रिलीज करते हैं तो हर बार ही होता है, अगर ए पॉइंट से ओके स्लाइटली रिलीज करते तो, सर ये तो हो जाएगा इनिशियली इन कांटेक्ट विद इनर एंड देन फिर देन विद आउटर, कितनी स्पीड चाहिए होती है, पार्टिकल इज रोटेटेड इन द वर्टिकल कनेक्टेड टू द कीपिंग द मिनिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन द लाइट रॉड इज हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल पे आने के बाद कितनी स्पीड हो जाती है, रूट टू जी एल हो जाती है ना, हाँ सर
अभी एनटीए वाले क्वेश्चन बचे हैं, अब अगली से अगली क्लास में डिस्कस करेंगे एनटीए वाले। पहले आठ करवाना डाउट है, उसके बाद मैंने नहीं किया। एनटीए वाले क्वेश्चन इससे अगली से अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? कल पढ़ाई करेंगे वापस, मतलब मंडे। ठीक है ठीक है, मतलब पूरे कर लेना। 33 तो दे ही दिए थे, कल पढ़ाई करेंगे ना। कल क्या है, कल फ्राइडे, फ्राइडे मंडे को कल पढ़ाई करेंगे। परसों की छुट्टी है, संडे की छुट्टी है, तो पूरा खत्म कर लेना, कल पढ़ाई कर लेंगे। हाँ सर, ठीक है। वो लास्ट एक्सरसाइजेस को खत्म। हाँ सर, आपको पता है इस हफ्ते के मंडे में कितना कुछ था? क्या बोल रहे, इस वीक का मंडे ना तो हमारा होशी ला दिए थे पिछला सैटरडे संडे, तो इतना खराब था ना। सैटरडे संडे इस बार भी जम के मेहनत करना, 33 क्वेश्चन है टोटल, हो जाएंगे। और रिवीजन मारना पीछे का, सेंटर ऑफ मास है। इसमें ये वर्कशीट में से कुछ नहीं करना, इसमें अगर तुम ट्राई करना चाहो तो एक्सरसाइज 3 ट्राई करना, सब्जेक्टिव है वो। बाकी देश में जेई प्रॉब्लम्स करने की नहीं है, नहीं करने ना जेई प्रॉब्लम्स, उसमें आ जाएगी ना पीवाईक्यू में, उसमें ये कॉलिजन वगैरह पढ़ के फिर इसके पीवाईक्यू करेंगे अपन, कॉलिजन सेंटर ऑफ मास है ना। हाँ सर, फिर उसके पीवाईक्यू करेंगे उस वाली बुक से। वो आ गई बस होने में। Yes, sir. चलो चलो, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं ना। बाय सर, थैंक यू सर, बाय बाय, थैंक यू।